जय श्री राधे भक्तों। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी और शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया। ऐसा बताया जाता है कि माता पार्वती ने जहां पर तपस्या की थी वो स्थान आज केदारनाथ के पास स्थित गौरी कुंड है और तपस्या पूरी होकर के गुप्त काशी में देवी पार्वती ने भगवान शिव जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार किया। लेकिन ये विवाह संपन्न कहां पर हुआ, तो यही जानकारी हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव ने जब माता पार्वती के साथ विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तब माता के पिता हिमालय ने विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी और उनकी शादी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुई थी, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उस स्थान को रुद्रप्रयाग के एक गांव यानी त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है। जब इनका विवाह संपन्न हुआ था, तब ये हिमवत की राजधानी थी। त्रियुगी नारायण में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है, जिसे शिव पार्वती जी के विवाह स्थल के रूप में बताया जाता है। मंदिर के प्रांगण में कई अद्भुत चीजें हैं। यहाँ पर ब्रह्म कुंड है, विष्णु कुंड है। ब्रह्म कुंड के सिलसिले में ये मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित थे। उनकी शादी से पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किया था, उसे कहा गया ब्रह्म कुंड। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों को पूरा किया था, तो शादी से पहले जहां विष्णु जी ने स्नान किया था, उसे विष्णु कुंड कहा गया। इसके बाद ही उन्होंने विवाह संस्कार में भाग लिया। इसके अतिरिक्त वहां पर रुद्र कुंड भी है और बताया जाता है कि सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह संस्कार में शामिल होने से पहले रुद्र कुंड में स्नान किया था। जब भक्त यहां पर दर्शन करने आते हैं, तो इसी कुंड में स्नान करके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के प्रांगण में जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, वहां पर आज भी अग्नि जलती रहती है। तीन युगों से ये अखंड रूप से जल रही है। इसे त्रियुगी नारायण मंदिर की अखंड धुनी भी कहा जाता है। इसी अग्नि के चारों ओर भगवान शिव और माता पार्वती जी ने फेरे लिए थे। कई लोग अग्निकुंड की राख को घर पर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस राख को हमेशा साथ रखने से वैवाहिक जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। त्रियुगी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय जिस स्थान पर बैठे थे, वह भी दिखाया गया है। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया। बताया जाता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी, जो मंदिर के स्तंभ है वहां पर गाय को बांधा गया था। इस स्तंभ को आज भी संजोकर रखा गया है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर गौर कुंड है और ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। गौरी कुंड का पानी सर्दियों में भी गर्म रहता है। यहाँ पर हर साल देश भर से बहुत सारे ऐसे दंपति आते हैं जो निःसंतान होते हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद यहाँ से लेकर जाते हैं। तो भक्तों, ये है उस स्थान की जानकारी जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। नमो नारायण।